बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में खगड़िया में भी वोटिंग हो रही है। जिले के परबत्ता प्रखंड के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 17 और 18 के कुल 12 पंचायतों में अलग अलग पदों के लिए वोटिंग की जा रही है, जहां कुल 187 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण माहौल में वोटिंग हो रही है। इन सबके बीच वोटिंग को लेकर महिलाओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। 2 दिवसीय जीतिया निर्मला व्रत के बावजूद बूथों पर महिलाओं की भीड़ देखी जा रही है। आदर्श मतदान केंद्र बंदेहरा में महिलाओं की जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है, जहां महिला मतदाता कई कतारों में खड़ी होकर या जमीन पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रही है। महिला वोटर की माने तो पंचायत के विकास के लिए निर्जला व्रत करने के बावजूद घरों से निकलकर मतदान करने आए हैं। यही वक्त है जिसमें गाँव के विकास के लिए बेहतर जनप्रतिनिधि चुनने का एक मौका मिलता है। मतदान का दिन भी किसी पर्व से कम नहीं होता है। क्या सोच करके वोटिंग करने आए हैं? कि यहाँ का कोई अच्छा प्रतिनिधि बने जो कि गांव का विकास करे, उसके बाद जो बूढ़ा बुजुर्ग है उसका सेवा करे या उसको वृद्धा पेंशन मिले। गांव का कैसा विकास आप चाहते हैं? क्या क्या होना चाहिए एक पंचायत में? थोड़ा शिक्षित होना चाहिए, उसके बाद संस्कारी होना चाहिए। अच्छा। उसको थोड़ा बढ़िया से शिक्षा मिलना चाहिए। आप लोग निर्जला व्रत किए हुए हैं, कितना दिक्कत हो रहा है आज वोट करने में? आप लोग दिक्कत भी होता है, खुशी भी मिलती है। क्या खुशी मिल रही है? कि आज सब आदमी के साथ है, निर्जला व्रत भी है। अच्छा। सब आपस में मिले हुए हैं। अच्छा अच्छा। घर का काम भी प्रभावित हुआ होगा, खाना नहीं बना पाए होंगे, बच्चे रो रहे होंगे, फिर भी आप वोट करने आए, ऐसा क्यों? इसलिए कि गांव का विकास हो। बहुत बहुत।